मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं सेमिया उपमा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन, इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेमिया। सेमिया को अच्छे से हम रोस्ट करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे जिससे कि जले ना, नीचे ना लगे। अभी देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसे एक प्लेट या एक बाउल में निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और हम डालेंगे इसमें क्यूमिन सीड, मूंगफली, थोड़ी कैश्यू नट, थोड़ा चने की दाल। इन सबको डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सम वेजिटेबल्स। अनियन लिया है मैंने, बीन्स लिया है, कैप्सिकम लिया है, कॉर्न्स लिए हैं, मटर लिए हैं, ग्रीन चिलीज लिए हैं। इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको ढककर अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। अब हम इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी लिया है, इसको ऐड कर दिया है। इसमें बॉईल आने तक वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद हम इसमें रोस्ट की हुई सेमियाँ डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको हम हाफ ढक्कन देके पकाएंगे जिसके इसका पानी अच्छे से वेपोरेट हो जाए। ये देखिए अभी हमारी सेमियाँ एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट या टिफ़िन के लिए सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।